से 23 साल पहले मुंबई के घाटकोपर के रमाबाई कॉलोनी में जब सुबह लोग उठे 6:30 बजे के समय लोगों ने देखा कॉलोनी में स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले पर किसी ने चप्पलों का हार पिना दिया है। पुतले के सामने ही पुलिस चौकी है, वहाँ पर लोग पुलिस को जाकर कहने लगे ये चप्पल का हार पहनाया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए, आपको इसका पंचनामा करना चाहिए, और वहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी। और लोगों की यही मांग थी कि ये जो भी कृत्य जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसका पंचनामा होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। इसी के कुछ समय बाद वहाँ पर रिजर्व पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनोहर कदम के नेतृत्व में एक पुलिस वालों की टीम आती है, और वो टीम जो घाटकोपर का हाईवे है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, उस हाईवे के बाद सर्विस रोड आता है और वो कॉलोनी आती है, वहाँ पर बुद्ध विहार के सामने से उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग लोगों पर की और 10 लोग मारे गए और 25 से 26 लोग घायल हुए। इस फायरिंग के लिए कोई प्रोवोकेशन नहीं था, इस फायरिंग के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, लेकिन ये फायरिंग की गई और लोगों की हत्या की गई। और इस हत्या से खुद को बचाने के लिए बाद में पुलिस वालों ने टैंकर स्टोरी बनाई और ये कहा कि भीड़ जो है रोड पर खड़े हुए टैंकर को आग लगा रहे थे और उसकी वजह से ये फायरिंग करनी पड़ी। तो ऐसे अलग अलग उन्होंने बहाने बनाए, लेकिन जितने भी लोग मारे गए वो सारे के सारे उनके कमर के ऊपर फायरिंग हुई है, किसी के छाती पर फायरिंग, किसी के कंधे पर फायरिंग, किसी के सर पर फायरिंग, किसी के गले पर फायरिंग, इस तरह से फायरिंग की गई। तो ये पूरा जो बस्ती है वो जहाँ पर अधिक से अधिक SC समाज के लोग रहते हैं उनके साथ ये एक कॉन्स्परेंसी रस कर ये जानबूझकर किया गया कृत्य ऐसा ही माना जाएगा। और इस पर न तो ये फायरिंग के खिलाफ न तो कोई पुलिस ने FIR दर्ज किया और न किसी तरह की जांच की, उल्टे बस्ती के ही लोगों को अपने आप को बचाने के लिए, पुलिस को खुद को बचाने के लिए, फायरिंग को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने बस्ती के लोगों को ही के ऊपर ही बहुत सारे केस डाल दिए, दंगों का केस डाला, उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डाला और बहुत सारे केस डालकर उन्हें ही फंसाया गया और वो आज तक कोर्ट के चक्कर मार रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण के बाद जस्टिस गुंडेवार के नेतृत्व में एक कमीशन बिठाया गया और वो कमीशन को कहा गया कि आप इस पूरी घटना की जांच करो। और फिर सरकार के पास यही जवाब था कि हाँ घटना हुई है तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने देखो कमीशन बिठाया है, हाईकोर्ट के जज को बिठाया है, वो जांच कर रहा है, फिर हम कार्रवाई करेंगे। कानून क्या कहता है? कानून ये नहीं कहता है कि अगर कल मर्डर हो तो आप जांच बिठा दो, कल ये हो जांच बिठा दो। क्रिमिनल लॉ को तो अगर ऑफेंस हुआ है तो FIR रजिस्टर होना चाहिए और उसकी इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये सीधा कानून है। तो कानून तो ये बोलता है, और इन्होंने क्या किया, वो कानून को छोड़ दिया, FIR दर्ज करना छोड़ दिया। हाँ वहाँ के बस्ती के लोगों पर FIR दर्ज हो गया, लेकिन ये घटना पे पुलिस के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुआ और वो जांच कमीशन के पास भेज दिया। अब जांच कमीशन को किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है और ये शुरू हो गया। हाँ न्याय मिल रहा है, कार्यकर्ता जा रहे हैं गुंडेवार कमीशन के पास, उसके पास डिपोजिशन दे रहे हैं, उसके पास ये सब कर रहे हैं। लोगों के आक्रोश को ठंडा करने का एक हथियार जो है वो ये कमीशन बन जाता है कि हाँ भाई न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ पेपर में हेडिंग आती है, ये होता है हाँ जाँच झाली, अतः कमीशन की सुनवाई झाली, यानी कमीशन समोर हे दिलाए ते दिलाए। कमीशन से समोर नहीं है, FIR दर्ज होना चाहिए। वो कमीशन का कोई भी जो एविडेंस है वो कहीं पे भी कोई किसी को सजा देने के लिए काम नहीं आने वाला है। वो कमीशन की सुनवाई के आधार पर किसी को सजा नहीं होने वाली है। तो ये कमीशन का चक्कर, जैसे बम्बई में दंगे हुए 92-93 में, तो कौन दंगा करने वाले थे? शिवसेना प्रमुख जो थे श्री कृष्ण कमीशन ने बोला है कि वो तो एक कमांडर की तरह अपने शिवसेना को निर्देश दे रहे थे कि मुसलमानों को लांडियों को जो है ख़त्म कर दो। ऐसे आदमी पर सीधा FIR दर्ज होकर उसको अरेस्ट करके उस पर प्रोसिक्यूशन होना चाहिए था, तो वो सब नहीं होगा।
तो ये भी उसी तरह से हुआ है। तो वहाँ पर भी न्याय नहीं, यहाँ पर भी न्याय नहीं, तो इन्होंने इस तरह से उसको कर दिया। तो उसमें जो लोगों का जो लड़ने का जो रोष होता है वो होता है किस तरह से कम करें, वो उन्होंने अच्छी तरह से किया। तो मैं यही बोल रहा था कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं बता रहा था कि इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल किया, तो चार्जशीट भी जो है वो आधी अधूरी उन्होंने बनाई, ठीक से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। जो जो मुद्दे उसमें आने चाहिए थे वो मुद्दे पूरे नहीं आए थे, बहुत सारे विटनेसेस के उन्हें गवाही नहीं दी ली थी, और वहाँ पे जो साइट पंचनामा था कि कहाँ पर कौन कौन सी गोलियाँ लगी, कहाँ से पुलिस ने गोलीबारी की, वो गोली कहाँ गई, ये सारा भी पंचनामा जो है ठीक से किया नहीं गया था। तो फिर उसके बाद हमने जब विजय प्रधान और बीजी बंसोड़े जी फॉर्मल रूप से पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन के आए वो केस में, तो कमिश्नर से बात करके एक वापस से टीम बनाई गई, और वो टीम ने वापस से जो कमियां थी वो विजय प्रधान जी ने पूरा उसको एक्सप्लेन किया था कमियों को, और वो कमियों को पूरा दूर करने के लिए फिर से एक इन्वेस्टिगेशन की गई थी, और फिर उसके बाद ये ट्रायल शुरू हुआ शिवड़ी कोर्ट में। अभी शिवड़ी कोर्ट में एक तरफ एक कोर्ट में ट्रायल था और दूसरे कोर्ट में विक्टिम्स का केस चल रहा था। शिवड़ी कोर्ट में ट्रायल बहुत अच्छी तरह से चला और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने गवाहों ने आकर गवाही दी, प्रोसिक्यूटर ने भी बहुत अच्छा काम किया, और उसको जो सेक्शन थे 304 में जो मैक्सिमम सज़ा मिल सकती थी वो थी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट, तो जन्म ठेप की और आजीवन कारावास की सज़ा जो है वो शिवड़ी कोर्ट ने उसको सुनाई। ये 2000 मेरे ख्याल से 9 का समय था जब ये सज़ा सुनाई गई। उसके पहले का मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है कि सरकार का पूरा रवैया क्या था। जो नई सरकार भी आई थी उसका रवैया भी पूरी तरह से पुलिस वालों का और सरकार का मनोहर कदम को कैसे बचाया जा सके इसमें पूरा लगा हुआ था। जब चार्जशीट फाइल हुई, FIR दर्ज हुआ, तो ये लोगों ने मनोहर कदम को अरेस्ट नहीं किया। 304 का गुना रजिस्टर हो गया और ये अरेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है मनोहर कदम को। तो बहुत सारे आंदोलन उसके बारे में हुए, लोगों ने दबाव डालना शुरू किया, कार्यकर्ताओं ने दबाव डालना शुरू किया कि आप कैसे नहीं अरेस्ट करते हो। तो ये सरकार का हमेशा रहा है कि अपने आदमी को कभी अरेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ये भीमा कोरेगांव के केस में जो भिड़े और ये एक पोटे थे उनको अरेस्ट नहीं करना है, लेकिन कोई कार्यकर्ता जो है काम कर रहा है समाज के लिए उनको सबको अरेस्ट करके अंदर रखा हुआ है, लेकिन एक पोटे, उसी तरह से मनोहर तो जैसे एक बोटे को और इसको अरेस्ट करने के लिए वो बेल रिजेक्ट होने के बावजूद अरेस्ट नहीं करना है, वैसे ही इन्होंने मनोहर कदम का हाईकोर्ट में 2 बार ABA रिजेक्ट हुआ, एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुआ, लेकिन अरेस्ट ही नहीं। तो जज ने आखिर में जस्टिस ने अपने बेल ऑर्डर में लिखा कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि हाईकोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी हमारा ऑर्डर होने के बावजूद भी इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। उसके बाद भी जब बहुत दबाव पड़ा तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसने हॉस्पिटल में से ही अर्जी की, और फिर उसके बाद पुलिस पूरी उसकी सेवा में हमेशा लगी रहती थी। कोर्ट में भी वो आता था तो वो आरोपी होते हुए भी सरकारी गाड़ी में आता था। यहाँ पर भी वो पूरी पुलिस मशीनरी, उसको जब बेल दिया गया तो उसको बचाने के लिए, जब उसको सजा भी हुई तो उसको सजा से बचने के लिए उसने बेल का एप्लीकेशन सेशन में, उसके पहले जो बेल उसका हुआ था तो उसका बेल होने के शाम को 5 बजे 5:30 बजे बेल हुआ, जब कैश डिपार्टमेंट भी बंद हो जाता है, और उसको स्पेशल जज ने कैश का भी सुविधा प्रदान की कि हाँ आप कैश भी भर सकते हो तुरंत निकलने के लिए। उसके बाद कोर्ट ने डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया है कि कैश सेक्शन बंद हो गया है तो भी इसका पैसा ले लो। फिर पुलिस ने अपने जेब से 25,000 रुपया निकाल कर उसका तुरंत बेल करने में उसको मदद की। तो जो पुलिस को आरोपी के खिलाफ होना चाहिए था वो पूरी पुलिस फोर्स इसमें लगी हुई थी कि कैसे आरोपी को मदद करे और उसको अंदर ना रहना पड़े।
और उसके बाद भी जब उसको सजा होने के बाद भी उसको जेल में रहना ना पड़े, इसके लिए वैकेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट के वैकेशन बेंच के पास तुरंत मूव किया गया कि कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करने का मौका नहीं दिया, किसी को मौका नहीं मिला, और तुरंत उनके पास जाकर उन्होंने रातों रात जामीन ले लिया। उसको सजा होने के बाद, जन ठेप होने के बाद भी उसको अंदर रहना ही नहीं पड़ा, तो वो बेल हो गया। तो न्याय व्यवस्था एक व्यक्ति के लिए अलग, पुलिस व्यवस्था एक व्यक्ति के लिए अलग और दूसरे व्यक्ति के लिए अलग। पुलिस छोटा सा गुनाह होता है तो पुलिस अंदर लेकर सब कुछ कर देती है, और ये केस में सजा लगने के बावजूद भी पुलिस कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पुलिस का चेहरा था, ये हमको याद रखना है कि जो भी हासिल हुआ अगर उस, तो वो सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष की वजह से हासिल हुआ, नहीं तो ये कोई भी सरकार थी वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं थी। और जुडिशरी ने भी सब बहुत जगह पर मैनेज हुई, जिस तरह से उसको बेल दिया, हाईकोर्ट ने अच्छा स्टैंड लिया था, लेकिन बाद में पुलिस ने भी काम करना छोड़ दिया, फिर बाद में हाईकोर्ट ने ही उसको तुरंत बेल दे दिया, वैकेशन कोर्ट ने दे दिया। तो ये सारी घटनाएं, और तब बेल मिलने के बाद अभी 11 साल हो गए हैं वो ऑर्डर आने के बाद और बेल मिलने के बाद, लेकिन वो केस वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, आज तक उस पर कोई मूवमेंट हुआ नहीं है। मैंने आज भी पूरा स्टेटस चेक किया, सिद्धार्थ भी मेरे साथ था, तो वो स्टेटस ऐसा ही है कि आज तक भी कुछ हुआ नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हुए, बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की कि ये पूरी न्याय प्रक्रिया जो शिवड़ी में चल रही थी, हाईकोर्ट में चल रही थी, ये सबको डीरेल करने की बहुत सारी कोशिशें हुई, बहुत सारे यहाँ तक भी हुआ कि जो गवाह हैं उनको इंटरवेनर बनाने के लिए हमको उनका वकालतनामा चाहिए था। कई बार बहुत लोगों ने उस विटनेसेस को मतलब समझा बुझा के या किसी तरह से हमारा वकालतनामा लेने नहीं दिया। तो ऐसे बहुत सारी जो भी आप समझे कि इंटरनल राजनीति भी चलती है, वो सब बहुत कुछ हुआ जिससे कि ये न्याय प्रक्रिया में बाधा बहुत सारी आई। वो भी एक अपना इतिहास है, वो भी कार्यकर्ताओं को याद रखना चाहिए, और वो वैसा नहीं हो। हमारा मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि न्याय होना चाहिए, और वो सुप्रीम है, बाकी हमारी इंटरनल राजनीति वो हमारे तक ही रहनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए लेकिन वो हमारे विकास के लिए होनी चाहिए, न कि केस पर उसका बुरा असर पड़े ऐसा कुछ करना चाहिए। धन्यवाद।